अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम लेकर आए ऐसी एपिसोड, ऐसा खाना जो आपने ज़िंदगी में कभी खाना खाया होगा। अगर आप गए होंगे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, सरीना, मैरियट और अवारी में, वो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ नहीं मिली होगी। ये चीज़ आपको स्पेशली हम आज खिलाने जा रहे हैं मायनाज शेफ मिसेज उस्मान, जिनका पहला नाम हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं लेकिन हम स्क्रीन पर कहना नहीं चाहते। तो इसके मतलब लेट करने के बजाय हम आपको फ़ौरन इस डिश के अंदर लेके चलते हैं। तो ये है ब्लैक पेपर चिकन विद ब्राउन राइस। हम ब्राउन राइस लेके आए हैं कुछ दिन पहले, तो हमने कहा हमने खुद कभी नहीं खाया, हम पहली दफ़ा पकाएं और खा के देखेंगे कैसे लगते हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास ऑफ कोर्स शिमला मिर्च है, फिर हमारे पास गाजरें हैं, चाइनीज़ गाजरें हैं, अगर आपको चाहिए जापानी गाजरें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी गाजरें आपको आसानी मार्केट से मैसर होंगी। अगर आप देख रहे हैं और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यहाँ पर भी प्याज हैं और यहाँ पर भी प्याज हैं, तो ये माजरा मुझे भी नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है। एक मिनट ज़रा मैं आप हालात हुकाम से पता करूँ, तो ये कह जाएँ ये प्याज जो हैं ये पहले डाले जाएंगे और ये प्याज जो है डिश में बाद डाले जाएंगे। अब ये इसके साइज़ में फ़र्क क्यों है ये अल्लाह ही जाने, या ये खातून खाना जाने। बहरहाल तो ये आप इसके नीचे देख रहे हैं चिकन, जिसको पेपर लगा के ब्लैक किया जाएगा, वरना अगर आप पेपर से आप लगाने से ब्लैक नहीं होता तो आप थोड़ी सी जो है वो पॉलिश लेके इस पर ट्राई कर सकते हैं। देन वी ऑफ कोर्स हैव गार्लिक पेस्ट, दिस आई थिंक चिकन पाउडर, सोया सॉस, वाइट विनेगर, अगेन वो प्याज तो बता चुका मैं ऑलरेडी, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, दिस इज़ कॉर्नफ्लावर, दिस इज़ नमक और दिस इज़ ज़ीरा, दिस इज़ ज़ीरा, राइट। तो ये तो हो गए इंग्रीडियंट्स, तो विल शॉर्टली टेक यू टू द रेसिपी एंड देन यू विल नीड टू एंजॉय। आप देख रहे हैं हमेशा हम चीज़ों में हर एक डिश में, चाहे वो कोई जापानी हो, अमरीकी हो या अरबी हो, उसमें हम सारे के सारे में हम एक ही चीज़ डालते हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज़ मैसर हैं। तो टेकिंग यू टू द वीडियो वेरी शॉर्टली। ओके नाज़रीन, तो हमने जो है ये ब्राउन जो है प्याज पहले कर लिया है। हमने कहा इसके बजाय कि हम आपको बताएं कि ब्राउन प्याज को ब्राउन करना है, और हम इस वक्त जो तकरीबन 4:30 बज रहे हैं दोपहर के, और उस गर्मी में खड़े होकर इसको ब्राउन होने का इंतजार करें, तो हमने खुद ही ब्राउन कर लिया है। और ये हमने ज़ीरा इसके अंदर डाला है, और अगेन इसमें और हम जो है अभी डालने लगे हैं गार्लिक पेस्ट। तो गार्लिक पेस्ट साहब अभी इसके अंदर जाने वाले हैं, और आप पाउडर यूज़ करें तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जैसा आप पसंद करते हैं या आपको ईजीली मुयसर करके अंदर मौजूद हो। रेसिपीज़ में हमने कोशिश की है इसको सिंपलेस्ट तरीन रखें, वो अलग बात है हमें मुश्किल रेसिपी खुद बनाने नहीं आती, लेकिन अगेन एफिशिएंसी दिखाने के लिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं साथ के हम जो है वो इन रेसिपीज़ को बहुत ही सिंपल और बहुत आसान रख रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें जो है ना इसके अंदर चमचा घुमा के, अगेन हमारी नीयत तो थी इसको ब्राउन करने की, लेकिन ये काला होने के करीब हो गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं सकता, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। और अगेन हमने इसके अंदर चिकन शरीर डाल दिया है, और ये चिकन जो है ये जो है अभी इसके अंदर जो है इसको हम फ्राई करेंगे, फिर फ्राई करेंगे और आई थिंक इसको गोल्डन करते तक इसको हम पकाएंगे, हाँ थोड़े से गोल्डन कलर हो जाए, सो दैट्स हाउ लॉन्ग विल कुक है। और इसके अभी और भी चीज़ें थी ऐड करने वाली है इसके अंदर जो हम बताना चाहेंगे इसके नाज़रीन को, जो बहुत जो है वो जो है ना गौर से ये सब कुछ सुन रहे हैं, और इसको किताबें लेके और जो है ना वो पेंसिल लेके और नोटबुक्स लेके इसको लिख रहे हैं, ताकि कहीं कोई ऐसा स्टेप ना हो कि जो मिस हो जाए और ये इतनी अजीम शान डिश जो है इससे उनके घर वाले महरूम हो जाएं। तो प्लीज़ आप ये इसको बहुत गौर से देखिए, अगर आपको जो है ये जो है वो याद नहीं रहते कोई पता मसला नहीं है, आपके पास वीडियो आ रही है आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अभी हम इसको पॉज करेंगे दोबारा, और विल टेक यू नेक्स्ट वेरी शॉर्टली, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर में इस टाइम, और हमें हमेशा जो है खाना बनाना 4 बजे याद आता है। तो विल टेक यू द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट वेरी शॉर्टली। ओके, तो ये हम इसको फ्राई कर रहे थे, और आई थिंक इट्स बीन 5 मिनट्स नाउ और इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू बीइंग फुली कुक्ड। इसके अंदर हम नमक ऐड कर रहे हैं, एज़ यूजुअल अपनी तबीयत सेहत के मुताबिक आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं वाइट पेपर, सो दिस गोज वाइट पेपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बोतल में थोड़ा सा है वैसे, अगर आप वो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, फल काफ़ी है। तो और ये वो ब्लैक पेपर है मायनाज ब्लैक पेपर, जो हमने हिंदुस्तान से इंपोर्ट नहीं किया, जो बेसिकली इसको इसके रंग को जो है वो निखार देगा, यानी कि काला कर देगा। तो ये हमने वो डाल दिया एज़ यूजुअल माशाल्लाह। हम जो है ना अपने करम फरमाओं के लिए और अपने व्यूज़ के लिए जो है वो किसी भी चीज़ पर जो है वो डालने से हम शर्मा नहीं रहे, हम खुला डाल रहे हैं, और माशाल्लाह तेल से लेकर प्याज तक और मिर्चें माशाल्लाह खूब हम इसमें जो है ना डाल रहे हैं, ताकि आखिर में इसके साथ भी वही हो जो हमारी पहली डिश जो इस चैनल पे आपने देखा था भिंडी बनाई थी, उसके साथ किसी ने भी नहीं खाई थी बहरहाल। तो और ये अगेन सोया सॉस, जो कि हमारी हर डिश का मेरे ख्याल जितनी पिछली 5 डिश हमने बनाई हर चीज़ के अंदर हमने डाला है, अगेन बिल्कुल शर्माना नहीं, आपने खुला डालते जाएँ,
वीडियो के खातिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हमें बस सब्सक्राइबर और लाइक्स चाहिए, और 30,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे तो फिर हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर देंगे, तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आप कुछ चाहते हैं कि हम करें इसके ऊपर जो है ना, वो चैनल के ऊपर अजीब अजीब सी वीडियोज़ बना डालें और खाने पर खाते हुए आपको गाने सुनाएं, वो भी हम करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। डिपेंड करता है गाना कितना पुराना है और कितना जो है ना हमने वो सुना है या नहीं, लेकिन वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। तो ये हम डालने लगे हैं इसके अंदर, डालने लगे नहीं बल्कि डाल चुके हैं गाजरें, और लेकिन महंगी गाजरें हम लेके आए, सस्ती गाजरों पर हमने किफ़ायत नहीं की, हम चाहते हैं कि हम आपको महंगी इंग्रेडिएंट्स दिखाएं, तो ये आपकी महंगी गाजर हमने इसके अंदर डाल दी है। तो इसको गाजरों को कितनी देर करेंगे और बाकी चीज़ें इसके साथ डालेंगे, 2 मिनट बताया जा रहा है। आई एम श्योर 2 मिनट आप जो है ना वीडियो में होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन 2 मिनट इसको हमने जो है करेंगे, हम साथ साथ चलाते रहें। अल्लाह हाफिज़। हमें सोचना पड़ेगा कि मैंने फिलर के तौर पर क्या बातें करनी है। बहरहाल तो ये 2 मिनट के लिए आपने गाजरें जो है इसको इसके अंदर पकाना है, और गाजरों के साथ इसके साथ हम उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तो ये जो है गाजरें जब हो जाएंगी उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हम आज बताएंगे, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को साथ साथ लेके चले जाते हैं। बेस्ट आइडिया तरीका ये तो ये है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंग्रीडियंट्स तैयार रखें और हमारे साथ पकाते जाएँ। तो कुक अलॉन्ग, सिंग अलॉन्ग, और ये एज़ यूजुअल अल्लाह खैर करे के अंदर जो है ना, आई थिंक 3 कप आई गेस पानी हमने डाल दिया इसके अंदर। ओके, तो अब बताया ही जा रहा है कि हमने इसके अंदर शायद जो है वो चिकन पाउडर पहले डाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अगेन हम इसके अंदर जो है चिकन पाउडर बाद में डाल देंगे, लेकिन दैट्स ओके। इनको जो है इतनी हम जो है ना इजाज़त दी हुई हमने कि आप इतनी गलती कर सकते हैं, बस आखिर में जो चीज़ पके वो खाने के काबिल होनी चाहिए, उसके अलावा हमें कोई हर्ज नहीं है। आप चीज़ें पहले डालें, चीज़ें बाद में डालें, चीज़ें खाना पकने के बाद दोबारा उसको पकाएं, जो मर्ज़ी करें, बस आखिर में एट द एंड जो हमें चीज़ मिले दस्तखान पे वो खाने के काबिल होनी चाहिए। तो दैट्स आवर थिंग। और अभी हमारा बुरा हाथ उधर पसीने से, उधर चावल जो है आप देख रहे हैं कि वो भी जो है पानी जो है वो बाहर आ रहा है उसके अंदर से, तो दोनों चीज़ें हम साइमल्टेनियसली डाल रहे हैं, जो कि आई थिंक इज़ नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म हो। ओके नाज़रीन, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो पिछला जो यहाँ पर बर्तन पड़ा था जिसके अंदर वो जो इतना बड़ा तूफान आया था वो कहाँ गया, तो वो बेसिकली 5 मिनट बाद हमने उतार लिया है, हम आपको दिखाना नहीं चाहते कि उसमें क्या हुआ है, लेकिन वो तैयार हो चुका है बकौल मेरी मिसेस के। तो अब एक दूसरे पैन में हमने जो है थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें हम वो जो दूसरा वर्जन प्याज है और शिमला मिर्च है वो डालेंगे। ऑयल बताया जा रहा है बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, जैसे माशाल्लाह आपने पहली दफ़ा देखा, पहली सारी डिशेज में आपने देखा कि हम माशाल्लाह खुला ऑयल डालते हैं, लेकिन इस केस में आपने यहाँ पर वो काम नहीं किया, हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, इतना ऑयल कि बस ये जो है सड़े नहीं, और बस आई गेस थोड़े से बस नम हो जाए उस ऑयल से, तो बस थोड़ा सा हमने ऑयल डाला इसके अंदर और दैट्स इट। और इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट या 1 मिनट जो है हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर घुमा लेंगे, और ये थोड़ा सा आई गेस आई वुड से फ्राई से हो जाएंगे, या थोड़े से बाहर ऑयली हो जाएंगे और थोड़े से पक से जाएंगे। तो इसके अलावा कुछ चीज़ याद करने वाली चीज़ है यहाँ पर नहीं, ये इन अ मिनट विल बी बैक विद यू वेरी शॉर्टली, इसको हमें सिर्फ एक मिनट करना है और टेकिंग यू टू नेक्स्ट स्टेप। ओके आशीन, तो जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत की सेकेंड डिश हमने बना दी है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वीडियो जो है वो खाना बनाते बनाते एकदम जो है वो डिश के ऊपर आ जाए, एंड पे आ जाए, तो उसमें उस डिश पे क्या हुआ होगा ये आप ख़ुद इमेजिन कर सकते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये माशाल्लाह जो है इन्होंने डिश बनाई है, और एज़ यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी 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 टेस्टी। चावल थोड़े से मुशी हो गए हैं, लेकिन दैट्स व्हाई आई थिंक वी गॉट वाटर लिटिल बिट मोर देन वी वांटेड टू। इनिशियली उन्होंने मुझे कहा था कि ये पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने कहा जान दोस्त। तो अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने उसको कवर करने के लिए कितना प्यारा से घर बना के, और इसकी प्याज जो सब्ज़ प्याज है इसके इर्द गिर्द जो है इन्होंने
उसका जो है ना वो चक्कर दे दिया ताकि इस खाने पे नज़र आ जाए। बहरहाल ये आप जब देख सकते हैं आपके सामने कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने ये घर बनाया है माशाल्लाह, जिसमें गाजरें और ये शिमला मिर्च और ये बाकी चीज़ें उस पर डाल दी हैं, तो ये कितना ज़बरदस्त बन गया। आखिर कारण उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो पानी डालने की वजह से उसको कवर कर लिया है। तो ये आपके लिए हमने बनाया है ब्लैक पेपर चिकन, अगेन ग्रेवी थोड़ी सी रनी हमारी है, हम रनी पसंद करते हैं। इफ़ यू वांट कि थोड़ा सा ये थिक हो तो आप जो कॉर्न फ्लावर हमने ऐड किया था पानी के साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो दैट सेड अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ बन चुकी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने ऑलरेडी किया नहीं है, अपने घर वालों से के साथ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, और अपने अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिए। और सिंपल, हाँ ये बहुत सिंपल डिश है बताया जा रहा है, उस ट्राइंग टू फिगर आउट की वॉच यूज सेइंग, लेकिन बारे ये बताया गया कि बहुत सिंपल डिश है, कैन बी मेड जैसे हमारी बाकी डिशेस थी, तो इट कैन बी मेड वेरी क्विकली। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।